लक्ष्मण के आने से जनकपुर में चार चांद लग गए हों। जनकपुर की शोभा ही कुछ अलग दिखाई देने लगी है। आज राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ में बैठ गए। दूर दूर से राजा और महाराजा आए हैं। ये संदेश स्वयं रावण के पास भी पहुंचा है। पत्र तो नहीं गया लेकिन संदेश पहुंचा, क्योंकि रावण ने दशरथ के विवाह में भी विघ्न डाला। रावण ने राम के विवाह को भी रोकना चाहा, और आज रावण फिर सोच रहा है कि उस धनुष को मैं ही तोड़ूंगा और सीता राम के साथ नहीं जाएगी, सीता मेरे साथ इस लंका में आएगी। थोड़ी साइड दे दो भैया, थोड़ी साइड दे दो, और कृपया सभी बच्चे बैठ जाएं, जितने बच्चे आगे खड़े हुए सभी लोग बैठ जाएं। और जी भैया साइड दे भी बैठ जाएं, साउंड वाले भैया सभी लोगों को बैठा रहे अपनी तरफ से। और उस जनकपुर में स्वयं लंकापति रावण भी पधारे हैं। रावण का आगमन ऐसे खड़े आओ, ऐसे करके यहां जाओ, ऐसे निकल आओ, थोड़ा शांति बनाए रखे भैया, बातचीत नहीं आराम से। और अब कही तो थी हमने, यहां हो जाए, हेलो हेलो हेलो, और विशेषकर बिठाते रहना, कोई खड़ा नहीं हो, व्यवस्था भंग हो जाएगी पूरी। ये हो हले राधे, हरे 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 हरे, ठीक है, आवाज बढ़ाना बस, थोड़ी शांत हो जाओ बहना, शांत हो जाओ सब भैया। भैया पहले पीछे हट जाना वहां से, थोड़ा पीछे हो जाओ, मान तो नहीं, पीछे हो जाओ वहां से। सभी एक बार अपने नैनों के पट खोलो, सब जोर मिलकर शंकर भगवान जय बोलो, कर्पूर गौरव कराव तारो, संसार शरम भुजगेंद्र हर, सदाम संतम मृत्यानंद बाबा भवानी संताम नमामि, जय रंगेश्वर जय भूतेश्वर जय कामेश्वर कैलाशपति, तुम्हारे चरणों में शीश नवाकर नमन करूं मां, जय श्री दुर्गा देवी, जय रुद्राणी जय ब्रह्माणी ज्वाला देवी छन्न मस्तके, जब भोलेनाथ है साथ है मेरे, मां दुर्गे का हाथ धरा, फिर कौन कर देखो भाई काल, मेरी वैसे कांपते है आकाश पृथ्वी मौन है, अरे मैं जगत का नारायण मुझसे बढ़कर कौन है, कांपे करे दिखपाल देख देख महापावक पवन,
निश्चित डरे करे जीते गंधर्व देव महीदेव संसार काल पाडो पाटी से प्रचार करे छूट में की प्रार्थना करे करे नहीं जानत मोए क्रोध की ज्वाला आर्य करे मौत रहे कर जोड़ रहे दास को काम करा रो अरे काल रहे दी बन के हन की यमराज काट जायो इन भुजान की क्या प्रशंसा करो सो ये कैलाश पार्वती ही हल 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 मैं क्या देख रहा हूँ झुकी मिथिलेश जिन्हें जनकपुर कहते हैं वह पर एक सीता का स्वयंवर क्या वहां चाप यानी जनक को चाप ही बोलते हैं वहां पर सीता का स्वयंवर परंतु वहां देश विदेश यानी अन्य राजा महाराजा सभी उपस्थित है परंतु लंकेश तुम्हें उस जनक ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया परंतु कोई बात नहीं उस सीता स्वयंवर में स्वयं मुझे वही चलना होगा और जाके देखूंगा जय जय कृष्णा तो हर हर महादेव संभव कैलाश हरी वाह कोई सेवा कोई यहाँ है जी महाराज ये राजा महाराजा निमंत्रण के द्वारा आए हैं या बिना निमंत्रण के ये सभी निमंत्रण के हो सभी निमंत्रण के द्वारा आए हैं जी परंतु दशरथ ने यानी जनक ने हमको निमंत्रण नहीं दिया ये कारण महाराज निमंत्रण तो दिया था लेकिन वो समुद्र में बहा दिया ओहो वाह बड़ा चतुर मंत्री निकला क्या इनका कहना कि महाराज मैं आपके लिए निमंत्रण लेकर के गया परंतु मैंने सोचा कि मैं समुद्र पार करके नहीं जा सकता इसलिए मैंने समुद्र से कहा कि जाओ आप लंकेश के लिए निमंत्रण दे देना इसलिए मैंने समुद्र के ही लिए निमंत्रण दिया है ओ बड़ा चतुर मंत्री है परंतु ये क्या हो रहा है यहाँ पर सीता का स्वयंवर है सीता का स्वयंवर और ये शिवजी का धनुष है इसको जो तोड़ेगा उसी की साथ में बेटी सीता का विवाह होगा क्या कहा यानी इसको जो भी तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह हो जाएगा जी जितने भी आगे बैठे कृपया 100 ग्राम पीछे खिसक जाएं सभी लोग 100 ग्राम यानी इस धनुष का जो भी खंडन करेगा उसके साथ सीता का विवाह हो जाएगा तो क्या नहीं आज मैं इस धनुष को ही देखता हूं जय जय कृष्ण हर हर
कैलाशपति ये मेरा हाथ इसके नीचे कैसे दब गया? कारण क्या नहीं? अब मुझे क्या करना चाहिए? किसी देव की नाम लेना चाहिए? नहीं, किसका लो? ब्रह्मा? ओ वो कुछ नहीं, ये तो मेरी मेरी ताकत ही कमाएगी। क्या वह विष्णु? ओ नहीं, क्या भोलेनाथ? नहीं, नहीं। आप किसी का नाम लो, लेकिन आप जिनका नाम ले रहे हो उन नाम से नहीं। यदि आप क्या मुझे किसका नाम लेना चाहिए? राम का नाम लो। कौन? राम। राम, किसी की ताकत मेरे काम नहीं आई, फिर भी आई तो मेरे है मेरी स्वयं ताकत काम आई। ओ रामा, ओहो ये देखो कैसे राजा महाराजा, वाह मीडिया चल रही है। ये कौन? वाह जरा वीर बालक मेरे समीप आओ, जरा मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। वीर बालक जरा मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। आपका नाम, कहां के रहने वाले? मेरा नाम राम। अयोध्या। मेरा पिताजी का नाम दशरथ। मेरा गांव अधिक। ओहो क्या वही राम? राम तुम्हें नहीं पता होगा, अरे याद करो पिछली याद। राम तुमने मुझे यानी ये तुम्हारे और हमारे कुछ गुप्त रहस्य की बात है, ठीक है ना? राम किया था तुमने वादा, उसको तुम निभाओगे। तुमने कहा था कि रामायण मैं बस वही मनुष्य स्वरूप में आऊंगा। क्या वही राम हो? जल में थल में ऊपर नीचे बाहर भीतर वही राम हो? रामायण में हृदय में बसने वाला वही राम? वही राम। ओ राम, वाह रावण। जरा राम हाथ लाओ, मैं एक ब्राह्मण हूं, इसी नाते तुम्हारी एक हस्तरेखा भाग्य रेखा देख रहा हूं। ओ राम। राम मैं तुम्हें बताता हूं, राम तुम्हारे क्या लिखा हुआ है ये भाग्य में। मैं तुमको बतला के जा रहा हूं कि राम राम निमंत्रण देता हूं। सुनो ध्यान से, ये जो स्वयंवर हो रहा है राजा महाराजाओं, सभी अपने घर के लिए वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। बस इस सीता से नाता तो व्यास यही वही राम आज यहाँ आ गया है। राम
राम तुम्हारी दाहिनी भक्ति पार, दशरथ मरनो वनवास लिखा। अरे राम तुम्हारी दाहिनी भक्ति पार, सीता हरणो उस रावण का वंश लिखा। राम निमंत्रण देता हूं, सीता सीधा तुम लंक चले आना। अरे राम निमंत्रण देता हूँ, कौच पिटारी में मेरे प्राणों को लेते आना, लेते आना। जय जय ओम सुनाद हर हर महादेव। बैठ जाओ राम जी। और प्रार्थना करने लगी हे धनुषदेव, बस यही करेगा कि हे धनुषदेव मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं एक छोटा सा दास और हे सभी देवी देवताओं इस धनुष पर इतना भार रख करके आप आज तक बैठे हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है, अब आप थोड़ा मेरा सहयोग कर दो। आपकी कृपा से और मेरे हाथों से ये शिवजी का धनुष टूट जाए, जिससे मेरे साथ सीता का विवाह हो जाए। और राम जी धनुष की एक परिक्रमा लगाते हैं। राम जी परिक्रमा लगाओ सीधी, हाथ जोड़ते हुए ऐसे हाथ जोड़ के चलो। आज एक परिक्रमा लगाई भगवान श्री राम ने और धनुष के सामने बस खड़े हो गए, यहीं खड़े हो जाओ। आज राम जी भगवान श्री राम आज धनुष के सामने खड़े हो गए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया और मेरे प्रभु श्री राम जी धनुष को उठाने लगे। और जैसे ही धनुष उठाया मेरे प्रभु राम ने एकदम से धनुष को बीच में से तोड़ दिया। बोले रामचंद्र भगवान की, सीता के खुशी की लहर दौड़ गई, सीता जी खुश होने लगी। आ हा हा, बस प्रभु बन गया मेरा काम। ये हो, अब तो सीता जी राम की ओर आने लगी हैं। टेबलों को उठा दो भैया, यहाँ से टेबलों को ले जाओ, देखो खेलो। सीता जी राम की ओर बढ़ने लगी कि अब तो मैं माला डाल दूं, मेरे पिताजी का भी संकल्प पूरा हो गया और मेरा भी संकल्प पूरा हो गया। सीता जी आगे बढ़ने लगी सखियाओं, बस ठीक है खड़े हो जाओ भैया, ले जाओ फटाफट कुर्ती मटो, यहां से मोड़ लो उनको, ऐसे नहीं निकाल पाओगे, यही तोड़ के डाल दो नीचे, नीचे डाल दो तोड़ के। अब राम जी थोड़े से आगे बढ़ो, एक माला राम जी के हाथ में दे दो, एक सीता के हाथ में दे दो। और जो मैं था मैंने खड़ी है, कृपया बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, सभी बैठ जाए भैया, बैठ जाओ पीछे पर, किस और भी खड़े हो जाएंगे, किसी को दिखाई नहीं देगा, बैठ जाओ सब लोग को। शादी डिग्री पे शादी के बाद भफर मिलेगा, सब ने बैठ जाओ। सखियाओं एक साइड से जाओ, सखियाओं एक पीछे हो जाओ, सीता के पीछे, सीता जी के पीछे हो जाओ सखियाओं, ऐसे। अब राम जी खड़े हैं और सीता जी खड़ी हैं, अब माला कैसे पड़े सीता के गले में? क्यों लक्ष्मण जी तुम पीछे खड़े जाओ, राम के आएगा बगली में आ जाओ, धनुष को वहीं रख दो, धनुष को धनुष नीचे रख दो। आज सीता जी देखने लगी, क्योंकि सीता जी छोटी हैं और राम की लंबाई थोड़ी ज्यादा है। अब सीता जी माला कैसे डालें राम के गले में?
अब सखियां देखने लगी और राम की ओर इशारा करने लगी कि आप ही झुक जाओ लाला। और सखियां राम जी से प्रार्थना कर रही हैं कि झुक जइयो तनिक रघुवीर, हे हो झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। प्रार्थना कर रही हैं कि आप झुक जाओ थोड़े से, मगर राम झुक नहीं रहे हैं। अब माला कैसे डले, वो झुक जइयो लाला, झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, छोटी प्रार्थना करी के लाला थोड़े से झुक जाओ, जैसे हमारी बिटिया माला डाल दे। लेकिन राम जी झुक नहीं रहे हैं। अब झुक क्यों नहीं रहे हैं परिचय जी? राम जी क्यों नहीं झुक रहे हैं? राम जी इसलिए नहीं झुक रहे हैं, राम जी ने सोचा कि आज मैं एक स्त्री के आगे झुक गया है, मैं आज होने वाली पत्नी के आगे झुक गया, तो ये संसार वाले कहेंगे कि पत्नी के आगे तो स्वयं परमात्मा को भी झुकना पड़ा था, मैं झुकूंगा नहीं। अब गड़बड़ हो गई, सीता दुखी होने लगी, माला कैसे डले, ऐसे तैसे तो धनुष तोड़ पायो। अब बड़ी गड़बड़ फैल गई। अब एक प्लान समझ में आया तो सखियां कहने लगी लक्ष्मण की ओर इशारा करके, ए छोटे वाले, छोटे वाले थोड़ा सा इशारा किया, तुम ही कुछ करो,
लक्ष्मण जी सोचने लगे भैया झुकेंगे नहीं तो काम बनेगा नहीं, अब क्या होना चाहिए। लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया को मैं ही झुका सकता हूँ क्योंकि भैया एक नारी के आगे झुकने वाले नहीं है। तो लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में झुकने लगे और राम जी उनको उठाने लगे, इतने में सीता जी ने माला डाल दी। ताली बजाते हुए बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। और तुम भी डाल दो, बोलिए सीता मैया की जय हो। अब विश्वामित्र जी यहां से साइट में चले जा।